मिर्जापुर के बाद सोनभद्र में मिड डे मील में यूपी सरकार की जो किरकिरी हुई है उससे शायद सब वाकिफ हैं। यूपी के कुशीनगर में भी मिड डे मील की रियलिटी चेक करने के लिए सुकरौली ब्लॉक के एबीआरसी कार्यालय परिसर में पहुंचे, जहां जूनियर और प्राइमरी विद्यालय में मिड डे मील की कवरेज करने पहुंचते ही प्राइमरी विद्यालय के प्रधान अध्यापक शिल्पी मिश्रा भड़क गई। मीडिया टीम के साथ बदसलूकी की, कैमरामैन को कवरेज से रोका। आखिर मैडम का आपा खोने की वजह क्या थी? तो एक नज़र इस वीडियो को देखें, जो एक पंक्ति में बिना चटाई के बैठे बच्चे सूखा चावल ही खा रहे हैं। आपको बता दें कि शनिवार को मेनू के हिसाब से चावल और सोयाबीन युक्त पोषण भोजन देना जिम्मेदारी है। अब उसी जिम्मेदारी को कैमरे ने कैद किया तो मैडम जी बदतमीजी पर उतारू हो गई, मीडिया को धमकी दे डाली, यानी कि यूं कहें तो अधिकारियों के नाक के नीचे ही मिड डे मील में खेल था, जो मीडिया ने कवरेज कर लिया। मैडम ने जिला बेसिक अधिकारी के आदेश लाने और दिखाने की बात करते हुए बदसलूकी की। आपको बता दें कि जिस कमी को प्रधान अध्यापक ने रोका, दरअसल वह बच्चों की थाली में पड़े सूखे चावल थे। यह हाल एक अधिकारी के कार्यालय के परिसर में स्थापित विद्यालय का हाल है, तो फिर जिले के अन्य विद्यालय की आप सोचे क्या हाल होंगे। बिना चटाई के फर्श पर बैठे बच्चे सूखे चावल खाते बच्चे, यानी कि कैमरे की नजर से इसी कमी को छुपाने का प्रयास किया गया, या फिर अधिकारी कार्यालय में कुछ और था। पर जो भी हो, मीडिया को कवरेज से रोकना, संवाददाता को विद्यालय परिसर से बाहर का रास्ता दिखाना, कहीं ना कहीं कमी को छुपाना ही था, जो प्रधान अध्यापक शिल्पी मिश्रा के द्वारा किया गया। यूपी के कुशीनगर से अजित कुमार की रिपोर्ट।